ये कहानी है लाखनपुर नाम के एक गांव की। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था। उसी गांव में एक पंकज नाम का आदमी रहता था। वह रोज नदी में जाता और मछलियां पकड़ के अपनी जिंदगी काटता था। गांव शहर से बहुत दूर होने के कारण वहां पर कोई भी बस ट्रेन की सुविधा नहीं थी। उसी गांव में एक नरेश नाम का आदमी था। गांव में उसी के पास ऑटो था, इसीलिए उसको बहुत घमंड था। उधर पंकज किसी काम से शहर जा रहा था तो ऑटो वाले नरेश से पूछा, बस्तीपुर जाने का कितना किराया है? तभी ऑटो वाला नरेश बोला, वहां जाने का 100 रुपया लगेगा, बहुत दूर है। तभी पंकज बोला, सिर्फ 50 रुपए लगते हैं वहां जाने के, तुम 100 क्यों ले रहे हो? तुम तो ठग रहे हो लोगों को। इस तरह कुछ देर बात करने के बाद पंकज ऑटो में बैठ के बस्तीपुर निकल गया। उस दिन पंकज घर वापस आके सोचने लगा कि गांव में कोई भी बस की सुविधा नहीं है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, मुझे ही कुछ करना चाहिए। ये सोचकर वो अपनी नाव अपने घर पर लाया और वो अपने नाव को कार में बदलने लगा। बहुत परिश्रम के बाद उसने अपनी नाव को कार में बना दिया। कुछ दिन बाद पंकज नाव कार लेकर सड़क पर आ गया। ये सब देखकर ऑटो वाले नरेश को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद सोनू पूरे गांव को अपने नाव कार पर बैठाकर बस्तीपुर केवल 10 रुपए में ले जाने लगा। उसी गांव में एक बुल्ला नाम का आदमी रहता था। बुल्ला बहुत ही धनी था और बहुत ही घमंडी था। वो किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। एक दिन एक आदमी उसका पैसा नहीं लौटा पाया तो उसने उसको हाथ से उठा लिया और कहने लगा, अगर तुमने मेरा पैसे अगले महीने तक नहीं दिया ना तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो आदमी डर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं अगले महीने लौटा दूंगा। एक दिन पंकज अपना नाव कार जंगल की तरफ से लेकर गुजर रहा था। उधर रंगा रास्ते में था तो उसने सोचा कि आज नाव कार पर बैठता हूँ। लेकिन जैसे ही बुल्ला नाव कार पर बैठा, उसका शरीर बहुत बड़ा था, इसलिए वो नाव कार पलट गया और दोनों टायर टूट गए। तभी पंकज बोला, कुछ पैसे दे दो, मैं अपना नाव कार ठीक करवा लूंगा। तभी बुल्ला बोला, इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो तुम्हारी कार पर बैठा, अब टूट गया तो मैं क्या करूं? ये कहकर बुल्ला वहां से पैदल ही चला गया। नाव कार खराब होने की वजह से पंकज को बहुत दुख हुआ तो वो वही पेड़ के पास जाकर सोचने लगा। तभी उस पेड़ के अंदर से एक कंकाल बाहर आया। ये देख पंकज डर गया। तभी कंकाल बोला, देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी नाव सही करूंगा। तभी वो दोनों नाव के पास गए और उस कंकाल ने अपनी शक्तियों से उस नाव कार को एकदम ठीक कर दिया और कुछ देर बाद उसमें एक जादुई पंख भी लगा दिया। जादुई पंख की वजह से वह नाव कार हवा में उड़ने लगी। ये सब देखकर पंकज को बहुत खुशी हुई और वो सबको धन्यवाद करके अपना नाव कार लेकर गाँव की ओर निकल गया। उस दिन के बाद वो लोगों को एकदम सस्ते किराए पर शहर की ओर ले जाता। गांव वाले इस तरह बहुत खुश थे। उधर बुल्ला का बेटा एक दिन घूमने जा रहा था, किसी कारण उसका पांव उसकी साइकिल में फंस गया और वो जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से उसके पांव में बहुत चोट लग गई। लेकिन उस दिन बुल्ला अपने घर पर नहीं था। फिर पंकज ने अपने नाव कार से ही बुल्ला के बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया और एकदम ठीक हो गया।
जब रंगा को घर आने पर यह पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने पंकज से माफ़ी मांगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ऐसी ही स्टोरी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।